लानत है, न पेट में दाना है, न लोटे में पानी है, न बंडल में बीड़ी है, न माचिस में तीली है। अरे ये कौन घुसे मार मार के दरवाजा तोड़ रहा भाई ये? अरे वो दरवाजा मजबूत नहीं है, शमशान की जली हुई लकड़ी का है। बेटा प्रसाद, ए बेटा प्रसाद, क्या है बाबू? बेटा वो दरवाजा खोल ना। तुम ही खोल दो ना। अरे मैंने बीड़ी नहीं पिया, मैं कैसे खोल सकता हूँ, मेरे चक्कर आ रही है। मैंने भी 3 दिन से खाना नहीं खाया, इतना कमजोर हो गया कि मेरी परछाई को भी चक्कर आ रही है। साला मेरे डायलॉग मेरे को सुना रहा है? बेटा बाप पर ही जाएगा ना। बेटा बाप पे जाएगा तो बाप किधर जाएगा? दरवाजा खोलने। बहन जी, रामन जी हैं? अबे बहन जी होगा तेरा बाप, ये बहन जी नहीं है, भाई जी है। आपकी चिट्ठी। रामन जी, आज त्योहार के दिन कुछ बख्शीश हो जाए जी। बख्शीश? हाँ जी, अभी वसूल करता हूँ। तुम भी यार थूक में भजिया तलने चले आए हो, मेरी हालत देखो, मुझसे बख्शीश मांगना देखो। मुझे तकदीर ही नहीं बख्शा तो मैं तुम्हें बख्शीश कहाँ से दूँ? मेरी गरीबी का तो ये हाल है कि अगर मैं किसी फकीर की अर्थी को कंधा देता हूँ तो वो उसको अपनी इंसल्ट समझता है और अर्थी में से कूद के भाग जाता है। रोटी खाए हुए इतना जमाना गुजर गया है कि रोटी की शक्ल तक याद नहीं रही, चावल कैसा होता है, चाय किस काम में आती है, सब भूल गया हूँ। मेरा छोटा बेटा हफ्तों से भूखा निढाल अंदर पड़ा हुआ है, हमें तो लगता है भगवान ने खाली पैदा कर दिया है, तकदीर लिखना ही भूल गया। बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। दुख? अरे भाई दुख जब हमारी कहानी सुनता तो खुद दुख को दुख होता, तुम तो फिर भी इंसान हो। मगर हम खुददार लोग हैं, गम खाकर अपना पेट भरते हैं, आंसू से अपनी प्यास बुझाते हैं, मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। कुछ मदद हो जाती तो, वरना मेरा बेटा आखिरी सांस ले रहा है, चला जाएगा, अर्थी को कांधा तुम्ही को देना पड़ जाएगा। नहीं नहीं रामन भाई, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। बाबा चलेगा, सरकारी है मनी ऑर्डर के। तो क्या हुआ? दूसरी जेब देखता हूँ। जल्दी दिखाओ, मेरा बच्चा मर रहा है। एक अठन्नी थी कहीं पर। अठन्नी? गरीबी का इंसल्ट करते हो। अरे अठन्नी अगर चंदे के डब्बे में डालो तो उड़ के बाहर चली जाती है, और ज्यादा निकालो। फटी जेब में सुराख हो गया, लगता है अठन्नी भी कहीं गिर गई। गिर गई? लानत है, मेरे लिए जहां से कुछ आने वाला होता है वहां सुराख हो जाता है। माफ करना भाई, चलता हूँ। सुना, अपने घर से कुछ खाना लाके दे देते तो। मेरी बीवी मायके गई हुई है। बीवी नहीं मांग रहा हूँ मैं, खाना मांग रहा हूँ। भाई खाना तो वही पकाती है ना। चे। मैं तो खुद होटल पे खा रहा हूँ। तो होटल में लो, चलो। होटल वाले का उधार बहुत हो चुका है, शायद आज वो मुझे भी खाना ना दे। क्या मुसीबत है यार। अच्छा सुनो, जा कहाँ रहे हो? एक बीड़ी तो दो कम से कम। एक ही है। चलेगी? अरे माचिस तो वापस छोड़ो। घर में बीवी नहीं है, जेब में बीड़ी नहीं है, माचिस का क्या करोगे? जाओ ऐश करो, भगवान भला करेगा जिसका कोई चांस नहीं है। आहिस्ता बापू, आहिस्ता आहिस्ता, मैंने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया और तुम पूरा हड़प कर रहे हो। नजर मत लगा यार, जब से पैदा हूँ जिंदगी पहली मर्तबा जितना पेट भर के खाना खाया है। अरे वारे बहन वाह, भगवान तेरे को खुश रखे, क्या राखी भेजी थी, खा के पेट भर गया। ए तू ये क्या खा रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं। चॉकलेट मेरी जेब से मारा है क्या? है तुम्हारी जेब से? तुम्हारी जेब में कपड़ा नहीं, चॉकलेट कहाँ से आ जाएगी? तो फिर ये कहाँ से आया? वो तो दुकान वाला जब सामान बांध रहा था तब मैंने उड़ा दिया। अरे जियो मेरे लाल, तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। चल इसी बात पे आज मैं तेरे को पॉकेट मारने के तरीके सिखाता हूँ। पॉकेट मारना जो है वो बहुत ध्यान का काम है, अपना ध्यान लगा के रखना और दूसरे का ध्यान हटा के रखना है? तो ये समझ, ये नोटों से भरा हुआ पॉकेट है, ये मैं जेब में रखता हूँ, तू आके मेरे से टकराना और मस्के की तरह उड़ा लेना, ठीक है? ये मैंने जेब में रखा, चला। अबे घनचक्कर है, इधर वापिस आ, इधर आ, मार खा गया ना? ये क्या पॉकेट तो मेरी जेब में रह गया। बापू तुम्हारा ध्यान पॉकेट पर था इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ की घड़ी मार ली। भड़कता है काय को भड़कता है? अपुन को साला भिखारी समझ रखा है क्या? अपुन भी साला इसी होटल में रहता है क्या? बाजू वाले कमरे में भड़कने का नहीं है? चल साला ठक्कन। सब सलाम। काय रे, कौन है तुम लोग? इधर काय को बैठे लाए? अपुन इस होटल में रहता है। होटल का अंदर काय को रहता है, घर का अंदर काय को नहीं रहता है? आप उन किधर भी रहता हो तुमसे मतलब? ए,
ऐसा तमड़ी नहीं खाने का, सीधा तरफ से बात करने का, समझा? अरे हवलदार साहब, हम लोग दूसरे किसी शहर से आए हैं यहाँ काम के लिए। ये आदमी को किधर देखे लाए तुम? नहीं तो क्या किया इसने? पब्लिक को टोपी फिराया, सरकार को टोपी फिराया, करोड़ों अंदर किया है। अच्छा, अभी अक्खा शहर का पुलिस इसको तलाश करता है, देखा है कभी? आप एक काम कीजिए, ये फोटो हमें दे दीजिए, हम इसका ख्याल रखेंगे। खबर करना। ये क्या है? ए साला, एक नंबर का चोर, फ्रॉड। ये तस्वीर देखो। ए साला, अपुन का फोटो। तुम लोगों को कहां से मिला? हमें पुलिस ने दी है। ए साला, उधर देख। अच्छा तो तुम नकली नोट छापते हो? बेड़ो, कोई साबित कर दे कि मशीन नकली है, अपुन तो अपुन का गलाई काट डालेगा क्या? चार्ल्स सोबराज, वालकाट, नटवर लाल और अपुन ने मिलकर मशीन बनाया ला है। ऐसा नोट छापती है कि साला असली नोट भी इसके सामने नकली लगता है। छपाई लिखाई अंदर का धागा, सब असली की टक्कर का है। अभी पता चल जाएगा कि यह नोट असली है या नकली। मैं इसे अभी बाजार में चलाकर देखता हूँ। यू वेट, थोड़ी ही देर में तुम्हारा फैसला हो जाएगा। फैसला? कैसा फैसला? सारे शहर की पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही है। अरे मेरे बाप, अपुन को पुलिस के हवाले मत करना। तुम चाहो तो ये सारा रुपया रख लो, लेकिन अपुन को जाने दो। ये नकली नोट लेकर हम क्या करेंगे? नकली नहीं मकीनो, एकदम असली है। मैंने बैंक से छुट्टा करवा लिया, कोई खोट नहीं। देख प्यारे, तू भी चोर और हम भी चोर, और आपस का खून खराबा अच्छा नहीं होता। इसलिए बेहतर ये होगा, ये नोट छापने वाली मशीन तुम हमें दे दो। ठीक है, निकालो लाख रुपया। लाख रुपए? ढाई लाख का तो माल लगाऊं इसमें, ऊपर से मेहनत मजदूरी अलग, इससे कम तो मर जाऊंगा नहीं दूंगा। चाहे तुम अपुन को पुलिस के हवाले कर दो, चलो। ठीक है, हमें मंजूर है। बख्शी, माल ले आओ। जरा एक नोट छाप कर दिखा दो। नोट छाप के भी दिखाता हूं। नोट छाप के भी दिखाता हूं। ये सादा कागज है ना, ये सादा कागज है ना, है। नोट छाप के भी दिखाता हूं। ये नोट है ना, देख। ये रहा तुम्हारा एक लाख रुपया। ठीक है दोस्त, आज एक एक चोर ने चोर को लूट लिया। अरे वेलकम वेलकम साई। क्या क्या जमीन? अरे सेठ, ये तो है राज जमीन। आ जमीन चाहिए? ए दलाल, मैं तेरे को क्या बोला होता, मेरे को बंगला बनाने को जमीन चाहिए, रूमाल बिछाने को नहीं। ये कौन फकीर का जमीन है? फकीर नहीं साई, ये चरिया भी बंबई का बहुत बड़ा सेठ है, सेठ भोगड़मल। भोगड़मल? तमेरा माफे, तमेरा नाम पर मोटा छे, पर जमीन बहुत छोटा छे। सेजी, सेजी, सेजी। चलो सेजी, मारे कने यही जमीन है, लेना हो तो लो, एक आध दिन में फैसला करो, मारे को जाना है। हाथ नीचे। कैम, सरकार का घपला करके जाता है क्या? नो प्रॉब्लम, मैं पन घपला करता है, बट आई नो ऑलरेडी पेंट्राज इन लफड़ाज इन घपड़ाज फ्रॉम बोगला टू चोपड़ाज, समझ पड़ी के? मारे को अंग्रेजी नहीं आवे है? नटी आवाटी, मने पन नटी आवाटी, पन हूँ सु करूँ, आई टॉक विद अ डिफरेंट पीपल विद अ डिफरेंट स्टाइल विद अ डिफरेंट टाइम विद अ डिफरेंट डे विद अ डिफरेंट नाइट विद अ डिफरेंट सीजन डिफरेंट सेंचुरी डिफरेंट मोमेंट। बनकर खलास हो गया, समझ पड़ी के? ये मेरे जो डिमक वाली की बात है, टेरे के साथ बड़ डिमक को समझ कांडा नहीं आएगा। ए दलाल, सो कर सीढ़ो वो रहे, सो कर ये जमीन मेरे को जमा, पर इसको ऊपर कचरा बोट, इसको बाहर निकाल। साई कल तक सुठो साफ करा देगा। नहीं सीढ़ो ऊपर झोपड़ा मल भोगड़ मल रेवा देने तारा बापा नु सो जाए, झोपड़ा हुआ के भोगड़ा हुआ बराबर जगह नटी। ये जमीन का कीमत कितना है? 60 लाख। डन, चलो मानजो, तो परसों हूँ आवी ने एनो कब्जो ले लेज, पर अभी तुम एक काम करो, ये एडवांस कांडर 50,000 रुपया मिठाई खाने को रखो। 50,000? अरे मारा पास 25 लाख रुपया हटू, पर हूँ सु की तो आधे टाइम ना एक अनाथ आश्रम मिला तो उसका अंडर डांडे दिया। 25 लाख
डाइन तो अपोज पर्सन है। मैं कौन? सेठ बोमन जी, रमन जी, कान जी, नान जी, पहचन जी, पोलन जी, नट बोल्ट सोडा वाटर बोतल ओपनर वाला। हमारो नाम से एड्रेस नटी है। मेरा नाम सुनकर तेरे को सेंसेशनल करंट मारा कहूं चालू ऑल दी वर्स्ट। तैने मारी जमीन सोने बाबिकवा दी। वो तो बराबर है साईं, लेकिन इधर कचरा कितना पड़ा है। नहीं चलो कल सुबह मजदूर लेकर आते हैं साफ कराने को। अरे मेरी जमीन पे झोपड़े कहां से आ गए? अरे क्या साईं, तुम वादा आशा के साथ किया और जमीन इन लोगों को बेच दिया चरिया। अरे नहीं भाया ब्रोकर, मैंने जमीन किसी को भी नहीं बेची। न जाने ये कौन लोग हैं और एक रात में कहां से ये बस्ती बसा के बस गए। बड़ी क्या बात करता है। नहीं चलो मेरे साथ। धर्मा से टेम टेम की बात है, अपन जब 10 साल पहले इधर आया था तो कुछ भी नहीं था। क्या बोल रहेला बाबू, कुछ भी नहीं था। अरे आप देखो मकान है मकान है। अबे जो झूठ बोल रहा है, तू 10 साल पहले ही आया था। अबे कल रात तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था। क्या बात कर रहेला सेठ, आप उनको इधर आए हुए 10 साल हो गया, यकीन नहीं आता तो राशन कार्ड दिखाए, 9 साल पुराना है। अबे झूठ बोलता है, मेरी जमीन पर नाजायज कब्जा करना चाहता है। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर तेरा कंप्लेंट लिखा के आता हूँ। ऐसा नहीं करना, नहीं गड़बड़ हो जाएंगी। अगर तुम पुलिस में गया नहीं तो समझो कि ये जमीन तुम्हारे हाथ से गई। मैं क्या करूं, मारो को तो चक्कर आवे है। साईं वो डंडो सुठो पारसी सेठ तुम्हारा 50 लाख का जमीन का 60 लाख रुपए देता है नहीं। हाँ। तुम्हें कितना जास्ती प्रॉफिट होता है नहीं? 10 लाख। हाँ साईं, हिक को कम कर, उस 10 लाख में से 5-6 लाख रुपया इनको दे दो नहीं, और जमीन वापस कब्जे में ले लो नहीं। अरे पीछा छोड़ाओ नहीं। अरे कल आके वो पारसी सेठ तुमसे तुम्हारा जमीन ले लेगा नहीं। अरे तुम समझना कि तुम्हारा जमीन 60 लाख रुपए में नहीं तो 55 लाख में बिका नहीं। बात तो तुम ठीक बोलो हो, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, तुम उनसे बात करके उन्हें चलता कर दो। सुठो। अब इसमें 5.5 लाख रुपए हैं। अरे चरिया तुम चिंता नहीं करना, नहीं कल सुबह आके वो डाटो सुट्टो पारसी सेठ से 60 लाख रुपए ले लेना। अब जाओ नहीं, मैं जमीन खाली कराता हूँ नहीं। अरे जाओ क्या ढुकर आ गई। अरे सुखर क्यों प्रसाद बाबू, सब काम ठीक ठाक किया ना? अरे बहुत बढ़िया, ये रहा तुम लोगों का हिस्सा पूरे 10,000 रुपए। अगर कोई काम होगा तो बताऊंगा जी। जाओ ऐश करो और ये जमीन खाली करा दो। यस सर। राम राम गोटिया दी पोटिया जी। गोटिया पोटिया साहब, कहाँ देखे आप, हमको कब दुबई भेज रहे हैं? थारे सबको भेजेंगे, क्या है कि हमारे यहाँ काम लेट हो गया है, लेकिन फुल गारंटी के साथ हो गया है। अभी दुबई से फोन आएगा और सबको एक साथ ही भेज देंगे। हेलो गोटिया पोटिया कंपनी, शेख साहब दुबई से? शेख साहब 3,000 मानस नो डिमांड करेलो छे, तो मैं बोला एम केम भेजवानो, पूरा टेस्टिंग करेगा तो आदमी को भेजेगा ने, नहीं तो साला कंपनी नो नाम खराब थई जाए। भेजा लोगो इंडिया से गया। वायर नीचे कर बे, मैंने कटे वायर से भी दुबई फोन किया था, कभी इन लोगों ने देख लिया तो अपने को पैदल मारते 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 दुबई तक ले जाएंगे। नमस्कार नमस्कार गोटिया जी पोटिया जी। अब कौन? अरे गोटिया जी पोटिया जी, आपने मेरे को पहचाना नहीं? नहीं। अरे मैं कल्लू का बेटा लल्लू, वो आपने मेरे को 2 साल पहले दुबई भेजा था जी, अब मैं 2 साल के बाद लौट कर आया जी, तो घर जाने के बजाय शिप से उतर कर आपके दर्शन करने चला आया लल्लू। क्या बेटा लल्लू, दुबई में कोई माल पड़े कमाया नहीं था? अरे कमाया ना सेठ, जाते टाइम हमारे पास क्या था जी? क्या था? एक फटा हुआ बनियान, एक खाली चड्डी, और आज देखो हमारे पास क्या क्या है, टेप रिकॉर्डर, ये कपड़े,
2 लाख का माल कस्टम में भरने लाए और ये देखो सोने का जानू। मिया मेरे को आज ही दुबई का टिकट होना। हाँ साहब हम को आज ही दुबई भिजवा दे साहब। मुझे भी एक काम करेंगे थारे सब लोगों को आज रात को प्लेन से भेज देंगे। अरे नहीं 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 पोटिया जी, इन बेचारे लोगों को प्लेन से काहे को भेजता जी। आजकल दुबई में ट्रैफिक जाम बहुत है जी, हवाई जहाज को जमीन पर उतरने का चांस ही नहीं मिलता जी, एक्सीडेंट हो जाता है। और कितना एक्सीडेंट होता जी और कितना लोग मरता जी। अरे रे 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 रे, इनका भी तो बाल बच्चा होगा जी। इन सबको पानी के जहाज से दुबई भेज दो जी। मैं भी पानी के जहाज से आया जी, आप बोले तो मैं छोड़ दूंगा वहां। अच्छा अच्छा, सबको पानी में ही डालेंगे? नहीं मेरा मतलब पानी का जहाज से भेजेंगे। तुम लोग एक काम करो, पहले 5,000 रुपया एडवांस मुको ने घर जाओ, कल घाट को ऊपर आ तो वहाँ से पानी का जहाज से तुम लोग को दुबई भेजेंगे। बराबर छे के नहीं? बराबर भाया। देखो मजबूती लाल, टाइट है, बहुत कमजोर हो गया। दुबई में जाके बादाम पिस्ता खा लेना, ये लो उठेगा पैसा। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी सेठ जी। दुबई 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 दुबई। अरे ओए दुबई जाएगा ये। हेलो ये क्या कर रहा है? हाथ मन्ने बढ़ा रहे, हाथ उधर को घुसा रहे हैं। आंखों का कमजोर है क्या? अंधा अंधा। अरे छी छी मन्ने बोलूं, इसको तो हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं, मन्ने तो इसको दुबई में भेज रहे हो। ये तो सब आपकी कृपा है। अरे कुचल गया तो लॉस अंधा। जय गोटिया पोटिया। आओ मिलावट राम आओ, थारे को दुबई के लिए को पैसा वैसा चाहिए दीराम? अरे नहीं सरकार नहीं, ये देखो हम अपने कमाई का ढेर सारा रुपया अपने साथ लेके जा रहे हैं। हम उस ससुरन की तरह कौनो कंगाल थोड़ा हुआ है। हाँ, हाँ, पहन लो पहन लो पहन लो पहन लो। जय सिया राम। जय दुबई। जय सिया राम। जय दुबई। जय दुबई। चलो 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 भाई चलो चलो चलो। या खुदा तेरा शुक्र। साला चोर। जय दुबई। चलो 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 सब लोग आराम करो, मस्ती करो, कल सुबह दुबई पहुंच जाओगे। सुबह घुमा घुमा घुमा, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी, वापस वापस वापस। ए चलो चलो भाई लोग, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। वो देखो आ गया दुबई। देखो देखो वो देखो, आजा आगे ला आगे ला आगे ला। वाह अरे अरे रुको। आजा 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 दुबई दुबई दुबई। अरे तुम वो देखो हमारे दफ्तर, वो देखो हमारा ऑफिस हमारा। अरे अपने अपने घर में चिट्ठी लिखना, समझा बेटा? अरे दुबई की जमीन पर मजबूती संभाल, हम देखो संभाल। अरे अरे अंदर तुम लोग कहाँ चले आ रहे हो, बोले क्या काम है? वाह वाह मियां, आप तो हमारे मुल्क की जबान बोल रहे हैं। वॉचमैन साहब तुम इंडिया का है? और नहीं तो क्या, जापान का है? अरे मियां आप दुबई में कब से रहते हैं? दुबई? अरे तुम सभी लोग सुबह सुबह पी कर आए हो क्या? अरे ये मडाई लैंड है बाबा, मडाई लैंड बम्बई का दूसरा किनारा। तुम सभी लोग बम्बई में हो। बम्बई? बम्बई क्या हुआ? क्या हुआ सर जी? कौन बैठा है सामने? सामने कोई नहीं बैठा सर जी। अरे ये क्या है? अरे क्या बात कर रहे हो सर जी, सामने कोई नहीं है। क्या बात करते हो, इधर आदमी बैठा तू बोलते कोई, ये क्या? किधर? ओ सर जी क्या? अरे भाई वहाँ कुछ नहीं है, बोल रहा ना वहाँ कुछ नहीं है। तो मेरे काय को देख रहा था? देखो सेठ जी तुम्हारे को किसी बात का वहम है, तुम फिक्र मत करो, मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम सो जाओ। कभी वहाँ गए तो? हाँ मैं हूँ ना, आप ही का तो खाता हूँ सेठ जी, आपका बॉडी गार्ड हूँ मैं, आप फिक्र मत करो, आप यहाँ बैठे रहो, मैं बाहर हूँ। हाय सर जी, सर जी क्या हुआ सर जी? बापू
क्या है बे? नाश्ते में कच्चा करेला चबा लिया था क्या? हैं? क्यों कुत्ते की तरह चिल्लाता हुआ चला आ रहा है, क्या है? अच्छा, उस फुटपाती का बेटा मिलते ही खुद का बेटा कुत्ता हो गया। कौन बेटा? मैं तुझे नहीं पहचानता। अच्छा, मुझे नहीं पहचानते? उस बेटे को नहीं पहचानते जिसने आपकी ममता के कोख से जन्म लिया है? ठीक है, आज से मैं भी तुम्हें नहीं पहचानता। तो जा हवा आने दे। पहले मेरा हिस्सा आने दो, फिर मैं तुम्हें हवा आने दूंगा। किस चीज का हिस्सा? जायदाद वायदाद मकान वकान दौलत वौलत पैसा वैसा सबका बराबर बराबर बंटवारा होना चाहिए। तुझे बंटवारा करना है अभी और इसी वक्त। ये क्या है? तेरा हिस्सा छिलका। मैंने अपने आप को सारी जिंदगी छिलके छिलके पाए, वो छिलका तुझे दे रहा हूं, सिर्फ गुदा में ले रहा हूं। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि जायदाद वायदाद घर वर पैसा वैसा इसका बंटवारा ऐसा करेंगे कि सिर्फ घर मेरा वर तेरा, जायदाद मेरी वायदाद तेरी, पैसा मेरा वैसा तेरा। अरे जाओ जाओ, ये बेईमानी दुनिया के साथ करना मेरे साथ नहीं चलेगी। मुझे बराबर का हिस्सा चाहिए। बराबर का हिस्सा चाहिए? हाँ। तो एक काम करते हैं, इस हॉल के अंदर वहां से लेकर यहां तक लंबी लाइन खींच देते हैं, उस तरफ जो है वो तेरा, इस तरफ जो है वो मेरा है। मंजूर? मंजूर है। अरे गले में कीड़े काट रहे हैं क्या? सिटी क्यों बजा रहा है? अपने मोहल्ले में बजा रहा हूं। मगर आवाज मेरे मोहल्ले में आ रही है। रोक सकते तो रोक लो। पर ये बत्ती बंद कर, मेरी आंख में तकलीफ हो रही है। और मेरी आंख को बड़ा मजा आ रहा है। अबे तू बटन बंद करना। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। और ये बटन मेरे मोहल्ले में है। तू भूल गया कि बल्ब मेरे मोहल्ले में? उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, अभी बताता हूँ क्या फर्क पड़ता है। बुढ़े